ये हवाला भी याद रखें, मुकदमा शामी में इमाम शामी रहमतुल्लाह कौल मौजूद है, बिन अबीजुल मुकर्रम बब इमाम हिल आज़म, अल्लाह मैं इमाम आज़म का वसीला भी देता हूँ, हुज़ूर पाक का वसीला भी देता हूँ, वो शामी जिसके फतवे पे आज फतवे का मदार है, जिसके फतावे पे आज मदार है, उसने मुकदमे शामी में ये बात पेश की। हमें एक ममाती का शगिर्द था, वो मेरे पास पढ़ने आया मुकदमे शामी की पढ़ाई के दौरान, मुझे कहने लगा कि हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि ये लोग शामी नहीं मानते। तो उस दिन इत्तेफाक से दो दिन बाद यही सबक आने वाला था, तो मैंने वही सबक निकाल के उस लड़के से कहा अपने उस्ताद के पास जाता है, उन्होंने कहा जाता रहता हूँ। मैंने कहा उसे जाकर कहना मौलवी साहब कह रहा था मैं यही शामी मानता हूँ जिसमें इमाम अबू हनीफा का वसीला मौजूद है। उसने जाके उसे दिखाया कि उस्ताद जी वो मौलवी साहब कहते हैं हम शामी मानते हैं और यही मानते हैं जिसमें इमाम साहब का वसीला। तो कहने लगे शामी है, कोई कुरान थोड़ा है, ठीक है। मैंने कहा ना कभी ये किसी किताब को बिल्कुल मुकम्मल नहीं मानेंगे, आप देख के तजर्बा कर लें, ये ऐसा ही मामला है।